शिव मंदिर में मिला है। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसमें एक शिव मंदिर के अंदर मुगलकालीन सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला है। यह घटना तमिलनाडु के तिरुवनेकवल में घटी है, जहाँ पर खुदाई करने वाले कुछ मजदूरों को अचानक अपनी कुदाली से किसी वस्तु के टकराने की आवाज आती है। जैसे ही उन्होंने वहाँ से मिट्टी हटाई, वे चौंक गए, क्योंकि उनके सामने एक घड़ा था जो सोने के सिक्कों से लबालब भरा हुआ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह घड़ा जम्बूकेश्वर मंदिर के अंदर मिला है, और यह घड़ा मुगलकालीन सभ्यता से संबंध रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह घड़ा लगभग 1200 साल पुराना है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन सिक्कों पर उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वही इन 505 सिक्कों की कीमत 70 लाख से ज्यादा आंकी गई है। हालांकि प्रशासन ने अब इन सोने के सिक्कों से भरे घड़े को कब्जे में ले लिया है। खैर, जो भी हो, ऐसे घड़े किस्मत वालों को ही मिलते हैं, पर वह बात अलग है कि उस पर उनका कोई हक नहीं रहता। वैसे भी हमारे देश को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है। यहाँ पहले भी कई बार जमीन में गड़ा धन मिल चुका है, लेकिन यह घटना इसलिए खास हो गई है क्योंकि इस बार भगवान शिव के मंदिर में मुगल सभ्यता के सिक्के मिलना आश्चर्य में डाल देते हैं। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट में बताइए। इसी तरह के रोचक और रोमांचक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियो के लिए द स्पेल आउट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।